सूरत शहर की फ्रेंड्स ऑफ श्याम संस्था द्वारा भव्य निशान यात्रा काढ़ी वेसू खाते आवेल श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंची हती। सूरत शहर की फ्रेंड्स ऑफ श्याम संस्था द्वारा भव्य निशान यात्रा काढ़वामां आवी हती। शहर ना 2000 थी वधारे भक्तों आ भव्य श्याम बाबा की निशान यात्रा में जोड़ाया था। आ निशान यात्रा वेसुगेल कॉलोनी थी पदयात्रा करी श्री खाटू श्याम मंदिर पास पहुंची थी। समाज ना अनेक महानुभावों उद्योगपतिओ आ यात्रा में जोड़ाया था। फ्रेंड्स ऑफ श्याम संस्था की आ बीजी निशान यात्रा है। आ यात्रा में नवी पेढ़ी युवानों युवतियों महिलाओं पुरुषों और वडिलों एक सरखा कपड़ा पहरी हाथ में ध्वजा लई पदयात्रा कर वेसुना श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंचा था। फाल्गुन मेला में निशान यात्रा घणु महत्व हो निशान यात्रा एक प्रकार की पदयात्रा है जेमां भक्तों श्याम बाबा ने अर्पण करवा माटे तेमना हाथ में श्री श्याम ध्वज लईने खाटू श्याम मंदिरे आवे छे। आ श्री श्याम ध्वज ने निशान कहेवाय छे। मुख्यत्वे आ यात्रा वेसुना श्री खाटू श्याम मंदिरे पहुंची हती। फ्रेंड्स ऑफ श्याम संस्थाना भव्य यात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ આઝાદ ન્યૂઝ સુરત। જી જો આજ મધ્ય નિશાન યાત્રા નીકળી હે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ શ્યામ કી દ્વારા ક્યા કહે છે યે दूसरी यात्रा है फ्रेंड्स ऑफ श्याम की जो कि इतनी भव्य यात्रा निकली और ये याद दिलाती है कि खाटू में भी जो है इसी तरीके की यात्रा निकलती है और जो जोश है आप देख रहे हैं युवाओं के अंदर किस तरीके से और ये सच में एक बहुत बड़ा धार्मिक परिवर्तन है कि लोगों के अंदर वापस से अपनी संस्कृति सनातन संस्कृति की तरफ वापस से लोगों का युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। ये जो भक्ति है कितनी जरूरी हो जाती है आज की जो जनरेशन है कार्यक्रम कितने जरूरी हो जाते हैं समाज को ये वापस से लोगों को अपने रूट की तरफ लाने का एक बहुत ही सनातन प्रयास है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि लोग अपने वापस से अपने धार्मिक जो है कार्यक्रमों में इस तरीके से जो भाग ले रहे हैं और युवा जब वर्ग इतना बड़ा भाग ले रहा है तो सच में ये व्यसन मुक्ति बोलते हैं या जो भी चीज़ें हैं दूसरी सभी तरीके के दुर्व्यसन से जो दूर होने के लिए और भगवान के और ज़्यादा मतलब जिस तरीके से हमारे आराध्य की जो सेवा में लगे हैं लोग ये सच में काबिले तारीफ है। इस यात्रा में कितने लोग शामिल हुए? करीब इस यात्रा में अंदाजित करीब 2000 लोग अभी शामिल हैं और भी इसके अंदर कारवा जुड़ता जा रहा है।